केंद्रीय मानवाधिकार टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का मैं श्रीकांत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष मुलाकात हम लेने जा रहे हैं। हमारे साथ आज विशेष मुलाकात में जुड़े हैं जालना से विजयराज जी, जो मानव अधिकारों के प्रति एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिनका कार्य भारत में ही नहीं तो विदेश में भी वो इस तरह के कार्य करते हैं। तो उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे कि क्या है उनके कार्य। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके स्टूडियो में आए हैं, तो हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम विजयराज फुलपगर, जालना रहवासी हूँ और मैं मानव अधिकार में बहुत से एक्टिविटी किया है, लोगों को जागरूक किया है। तो सर से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मानव अधिकारों के प्रति इनके जो कार्य चल रहे हैं, तो ये कार्य जो कर रहे हैं वो कब से और ये कार्य करते हुए अब तक इन्होंने मानव अधिकारों के प्रति कौन कौन से कार्य किए हैं, ये इनसे इनके कार्यों से हम आपको रूबरू कराएंगे। मैं मानव अधिकार से 2009 में जुड़ा था और ये प्रक्रिया चलती रही। पहले लोकल में किया, फिर जैसे जैसा प्रेरणा बढ़ती गई, मुंबई बाहर में भी, मैं दुबई वगैरह भी जाता हूँ सोशल वर्क के हिसाब से, वहाँ भी मैंने कार्य किए। और अभी ये कोरोना पीरियड में मैंने 400-500 पेशेंट को सिविल हॉस्पिटल में जाके हेल्थ हीलिंग प्राणा हेल्थ हीलिंग थेरेपी से अच्छा किया। उनके एविडेंस भी बहुत अच्छा है कि साहब तुमने हमारा फार लवकर चांग केलं। एक प्रोटोकॉल के भी थे वहाँ पर आए हुए, उनकी भी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही कि सर आपने बहुत अच्छा हमको थेरेपी दिया और बहुत अच्छा किया। दूसरा जो बताऊं, 370 अपना हटा था वो टाइम में, मैं श्रीनगर में कमिश्नर ऑफिस में जाके तिरंगे को सलामी दिया था। जब मैंने फेसबुक पे भी लिखा था माननीय मोदी जी और अमित शाह जी कि 130 करोड़ जनता में मैं आपका सेवक, वहाँ जाके मैंने श्रीनगर में तिरंगे को सलामी दिया था। तो सर, जैसे कि कोरोना काल में भी इन्होंने सेवाएं की है, कोरोना पेशेंट की भी सेवा की है और देश विदेश में भी जाके मानव अधिकारों के प्रति ये कार्य करते आ रहे हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि सर, जैसे कि अपने को क्या जरूरत पड़ी कि मानवाधिकार के बारे में, सामान्य लोगों के अधिकारों के बारे में उनको जागरूक करना, अगर सामान्य नागरिक उनके अधिकारों के प्रति अगर जागरूक नहीं होते हैं तो उनका क्या लॉस हो सकता है। तो ये इसमें ही मानव अधिकार के इसमें ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जालना में इंडस्ट्री एरिया बहुत बड़ा है और आजू बाजू के एरिया में जो है ना बहुत से मतलब छोटे छोटे विलेज जैसे लगे हुए हैं, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उनको जागरूक किया, मैंने साहब आम्ही जाऊ शकत नाही तिथे करू त्यांना इंडस्ट्रीजवाल्याला बोलू शकत नाही, तर तुम्ही आमच्याकरता काहीतरी केलं तर आमची थोडं आरोग्य चांगलं राहील। तर मैंने महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी लिखा, दिल्ली में भी लिखा कि भाई ये इस पर आप कुछ काम कीजिए, जो पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है तो आप इसको जीरो नहीं ला सकते, तो कम से कम ऊपर तो चिमनी बढ़ाइए। तो मानव अधिकार के इसमें हमने वो चिमनियाँ बहुत सी हाइट पे बढ़ाने के लिए किया है कार, उससे क्या हो गया कि थोड़ा पोल्यूशन में भी कम हुई और लोगों ने भी बहुत अच्छा धन्यवाद दिया हमें। बस लोगों की सेवा, यही हमारी सेवा हम करते हैं। अभी एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोले कि जैसे मानव अधिकार के प्रति उन्होंने जो काम किया कि जैसे सामान्य लोग ये नहीं समझ पाते, जैसे कोई कंपनियां है तो उनकी जो चिमनियां रहती है वो कौन से हाइट तक होना, उनके धूल के पोल्यूशन की वजह से अपने यानी शरीर पे हेल्थ पे क्या उसका परिणाम हो सकता है। तो वो अपने अधिकार है कि जो भी कंपनी अपने आस पड़ोस में कुछ भी अगर वर्क हो रहा है तो उससे वातावरण में यानी अपने हेल्थ के ऊपर अगर कोई परिणाम होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये भी अपना अधिकार है। तो ऐसे अधिकार को जागृति करते हुए उन्होंने वो भी अच्छे से काम किया कि जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोगों की हेल्थ का भी प्रिकॉशन हुआ है। हम सर से यहाँ से हमारे KMTV के मंच से आप हमारे जो देखने वाले दर्शक है उनको क्या संदेश देना चाहोगे। मानव अधिकार एक जागरूकता का एक माध्यम अच्छा है और लोगों में मानव अधिकार की वजह से जागरूकता आए और जागरूकता आना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि
क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं आएगी जब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। मानव अधिकार यही कहता है कि भाई आप जागरूक रहो। मानव अधिकार म्हणजे काय, कि वह लोगों ने जागरूक रहना चाहिए, अपने जो कुछ है भावना या अपने कोई अधिकार है इसके बारे में उन्होंने समझना चाहिए। तो ये मानव अधिकार का मैं एक छोटा सा देता हूँ। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी हमारा भी KMTV जस्ट 10 दिसंबर को लॉन्च हुआ है, तो KMTV के से आप क्या अपेक्षा रखते हो कि ये KMTV किस एंगल से काम करना चाहिए? नहीं, बहुत बढ़िया है। मुझे सर ने जो कुछ बताया वीडियो उससे तो मैं इतना प्रसन्नित हुआ कि अरे मैं बोला क्या बहुत आप अच्छा वर्क कर रहे हो और बहुत बढ़िया है, और इससे लोगों में जागरूकता आएगी और बहुत सा अच्छा रहेगा। और हमारी तो शुभकामनाएं आपके चैनल को कि बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। हम धन्यवाद करेंगे अजाना से जो विराट सर जी यहाँ पे आए हैं। दुबई में मैं जाते रहता हूँ, वहां पर भी अपने मानव अधिकार का मैं बहुत सब लोगों को जागरूक करूंगा। वहां पर भी बहुत से लेबर परेशान है, अभी भी बहुत तकलीफ में है। किसी का पासपोर्ट रुक जाता है किसी का, तो मैंने कुछ हमारे जो सर्कल के थे उनको मैंने हेल्प किया। एक का सऊदी का आया था, सऊदी वाले को मैंने हेल्प किया था। तो बस मेरा जो है मैं फ्री सेवा ईश्वर सेवा ये मैं करता हूँ, और मैं जागरूकता रखूंगा और वहाँ बहुत जागरूकता से लोगों को सबको समझाऊंगा। दुबई अभी मैं जाने वाला हूँ, तो हाँ धन्यवाद सर। धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आए। हमारे जो श्रोता है या हमारे जो दर्शक है उन्होंने आपको सुना देखा, और आशा करते हैं कि जो कुछ हम यहाँ से KMTV के मंच से हम जो कुछ भी अच्छी चीजें आपको दे रहे हैं वो सही मायने में आज कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट या फायदा हमारे दर्शकों को निश्चित ही होगा। तो ऐसे ही कई खास व्यक्ति, ऐसे कोई विषय लेके हम आपसे हमेशा रूबरू कराते रहेंगे। जाएगा कहीं नहीं, हमेशा बने रहे KMTV के साथ। और फिर से गुजारिश करते हैं कि KMTV के हर एक वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़ के रहने के लिए आप KMTV के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाइए जिससे हम जो भी वीडियो आप तक पहुंचाना चाहे वो सडनली आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।